किसान आंदोलन का तीसरा दिन है आज। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में किसान और सरकारों की बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय शामिल होंगे सरकार की तरफ से, और वहीं किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा किसानों की तरफ से। लेकिन उससे पहले शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हम आंदोलन का हल शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि पीएम मोदी समस्या को लेकर बात करें ताकि जल्द से जल्द हल निकले। किसानों ने आरोप लगाया किसानों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा, किसानों पर जबरदस्त तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है। ये तमाम आरोप जो किसान नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। किसान कह रहे हैं सिर्फ आंसू गैस के गोले हम पर नहीं बरसाए जा रहे हैं, स्मोक सेल, एयर बर्स्ट, स्मोक सेल ग्राउंड बर्स्ट, एसएलआर के को खाली खोके, ये सब मिल रहे हैं। इस तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है किसानों पर, ये कह रहा है सरवन सिंह पंढेर का, सुनिए। हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करें। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे हैं, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। और आइए सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले असीम बसी का रुख करते हैं। असीम, आज बैठक वाले दिन शाम में बैठक होनी है और सुबह में किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई उससे क्या संकेत और क्या संदेश समझ में आ रहा है? देखो, एक बात तो क्लैरिटी है कि डेफिनेटली किसानों ने कोशिश की कि वो दिल्ली जाएं, हरियाणा से आगे कूच करें, नहीं जा पाए। लेकिन एक एक जो बातचीत की विंडो है वो क्लोज नहीं है, जो डोर है वो क्लोज नहीं हुआ है कि हाँ हम टॉक्स के लिए रेडी हैं, कल को दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे भी टेबल टॉक होगी। हम किसानों से जब कल रात को बैठ के बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि हम बैठक के लिए तैयार हैं, बात करेंगे, आज डेफिनेटली मीटिंग भी होगी, लेकिन जो अट्रॉसिटी जिसको वो अट्रॉसिटी खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो शेलिंग हो रही है उसको बंद किया जाए। लेकिन ये बात तो क्लैरिटी है इससे कि हाँ एक तरफ किसान जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट भी जारी है, शंभू बॉर्डर पे रश भी बहुत ज़्यादा है, आज किसान रेल भी रोकेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन वो बात भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि MSP को लॉ बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ों। और एक और चीज़ वो बोलते हैं कि जब पिछली बार वो किसान आंदोलन में दिल्ली गए थे, वहाँ बैठे रहे थे लगभग 13 महीने, वहाँ बैठे रहे, 700 लोग शहीद हुए, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो डिमांड्स थी वो रेक्टिफाई नहीं हुई और जस्टिफिकेशन उनको जो चाहिए थी वो नहीं मिली, तभी ये दूसरा आंदोलन है। लेकिन एक क्लैरिटी है कि मुख्य तौर पर बात सामने निकल कर आई है, सरवन सिंह पंढेर ने जिस बात को रखा है कि प्रधानमंत्री खुद बात करें, हल निकालें इस बात, तो कहीं ना कहीं अब किसान जो हैं वो भी उम्मीद जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही लगाए हुए हैं सीधी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने एक दो मीटिंग्स जो पिछली बार कवर भी की, दो मीटिंग्स हुई सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ, सेंट्रल मिनिस्टर्स के पास उतनी पावर्स नहीं होती हैं, वो इतनी डेलीगेशन ऑफ पावर्स उनको नहीं होती होगी कि कई बार ऐसी डिमांड्स जो हैं किसान रख देते हैं जो इमीडिएटली वो सेंट्रल मिनिस्टर्स का ना वो पोर्टफोलियो होता है कई बार, ना उसके वो इम्पावर्ड होता है इतना कि उसी वक्त वो डिसीजन लेके उनको यस या नो कर दे। सो इसीलिए मुझे लगता है किसानों ने सीधा प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला है हमें कि हम प्राइम मिनिस्टर हमसे बात करें, क्योंकि इशू बड़ा है, देश का इशू है। और जिस तरह पंजाब को सैंडविच, ये कहते हैं कि सैंडविच कर दिया गया है, उधर पाकिस्तान का बॉर्डर है और इधर जो हरियाणा को इतना ज़्यादा हेफ्टी बैरिकेडिंग करके बीच में सैंडविच कर पंजाब को किया गया है, वो इस बात से नाराज़ हैं, तभी उनको लगता है कि दो बार सेंट्रल मिनिस्टर्स आ गए। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बार बार उठ के क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, कहीं और बात करनी पड़ती है, तो दिस इज द रीजन वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमसे बात करें इस इशू पर। बिल्कुल, और ये जिस तरीके की बातें किसानों की तरफ से कही गई हैं, मतलब पंजाब के किसान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब मीडिया के सामने आए तो फिर जिक्र मणिपुर तक का किया गया मनोज वर्मा, कि मणिपुर की तरह हमारे यहाँ हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी समझ रही है कि मामला बेहद संवेदनशील, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, खासतौर से राजधानी दिल्ली की किलाबंदी। सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं मनोज, क्या है स्थिति? जी बिल्कुल रोमाना, तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीर यहां पर रोज बदल जाती है। रोमाना, मैं रोज आपको एक तस्वीर दिखाता था जहां पर लिखा हुआ था कि हरियाणा में आपका स्वागत है और दिल्ली
हकदार है, उन दोनों बोर्ड को यहाँ पर उतार दिया गया है, वो बोर्ड नीचे रख दिए गए हैं। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इसलिए उन बोर्ड्स को उतारा गया है कि अगर किसान यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पुलिस को टीयर गैस के जो शेल हैं वो चलाने पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि टीयर गैस के जो शेल हैं वो बोर्ड से टकराकर वापस पुलिस की तरफ गिर जाएं, इसी वजह से उन बोर्ड्स को भी हटा दिया गया है। और पुख्ता जो है इंतज़ाम सुरक्षा के वो लगातार किए जा रहे हैं, अभी भी जो इंतज़ाम है, जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी छोटा मोटा रास्ता जहाँ से ऐसा लगता है कि किसान घुस सकते हैं, उन सभी रास्तों को बंद करने की कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और सबसे ज़्यादा खामियाजा इस आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो पैदल का रास्ता था वो खुला हुआ था, अब उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है और लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो देखकर, इन तैयारियों को देखकर अगर ये आकलन किया जाए कि साहब तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि फिलहाल लग नहीं रहा है सरकार और किसानों में बात बनेगी, इसीलिए ये तैयारियां जो इतनी पुख्ता की जा रही हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।